हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मिस्टर जीरो रिव्यू। मैं हूं मिस्टर जीरो और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आप चैनल पर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो और हाँ, वीडियो का एंड तक जरूर देखना, क्योंकि क्या पता कि आपने इस मूवी का ट्रेलर ना देखा हो। अब मैं वही ट्रेलर देखने वाला हूं और उस पर रिएक्शन देने वाला हूं। मेरी क्या ओपिनियन है, मैं क्या मानता हूं इस मूवी को लेकर के, वो जानने के लिए एंड तक वीडियो को जरूर देखना। एंड ट्रस्ट मी, इट गोना बी सो इंटरेस्टिंग। तो चलो यार वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Every problem has a mathematical solution. ये सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें जिस तरह की मूवमेंट दिखाई गई है ना, किसकी, हाँ विक्रम साहब की, जिस तरह से दिखाई गई है मूवमेंट आंखों की, मतलब ऐसा 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 जो कर रहे हैं ना, वो मुझे याद दिलाती है वो जो हमने अप्रचीत देखा था, उसमें जब उनका रूप चेंज होता है क्लाइमेक्स वाले सीन पे, वो मुझे ज्यादा मेमोरेबल लगा वो सीन, और वो चीज अभी यहाँ पे एक तरह से रिकॉल कर गया। चलो आगे बढ़ते हैं। माय गॉड, देख रहे हो कौन है, कौन है फिल्म में, देख रहे हो और उसके बाद से ये दूसरे ऐसे क्रिकेटर है जो कि साउथ के फिल्मों में एज अ नॉट अ नेगेटिव रोल लेकिन एज अ कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में। आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। यू ये बात ही चलो गुट्टी गुट्टी। यार रहमान का म्यूजिक, मतलब समझ रहे हो कि फिल्म का म्यूजिक का लेवल क्या होगा। लास्ट मैंने इनकी जो मूवी देखी थी वो थी आई, और उसके बाद से मुझे और कोई मूवी देखने को नहीं मिली। पर एआर रहमान का म्यूजिक लगभग हर फिल्मों में होता है, साउथ के सभी बड़े फिल्मों में होता है, तो यार एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। आगे बढ़ते पहले, इसके बाद से एंड में बात करूंगा मैं। नंबर्स से बिछड़ाने वाले आड़ रहा हूं, आई विल गिव हिम मोर नंबर्स टू प्ले दिस टाइम। मुझे नहीं पता यार, एक है कमल हसन साहब और एक है अपने विक्रम साहब, इन दोनों का एक चीज मैंने नोटिस किया है, फिल्मों के अंदर में एक ना एक अलग अवतार दिखाते ही दिखाते हैं। मैंने एक मूवी देखी थी जिसके अंदर में जो है विक्रम जो है प्ले कर रहे थे बहुत ही अलग तरीके से रोल को, जो कि शिवा का रोल था, और वहां पे अचानक से एक लड़की का ड्रेस पहन करके आते हैं, मीन्स एक वुमन बन करके आते हैं, वो साड़ी एंड ब्लाउज एंड सब कुछ, इतने अमेजिंग उनका ट्रांसफर होता है ना एक पर्सनालिटी से दूसरे पर्सनालिटी में, जो कि शायद उनको भी पता है, मेकर्स को भी पता है और ऑडियंस को भी पता है कि ये चीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है और काफ़ी, मतलब इट्स लाइक अ ट्रीट फॉर योर आईज मैन। तो इस फिल्म के अंदर में भी बहुत सारे रूप देखने को मिल गए, मतलब अलग अलग वो बहरूपिया बनकर के पहुंच रहे हैं, और यहाँ पे एक मैथमेटिशियन है और उस मैथमेटिक्स के वजह से जो है वो सब पे मैजिक दिखाने पे मतलब कामयाब हो जाता है और सबको मैजिक से शायद कुछ ना कुछ तो वो कर रहे हैं। ये मुझे ऐसा, ये अभी जो सीन है ना, मैं थोड़ा पीछे लेकर जाता हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं वो सीन दिखाना चाहता हूँ आपको। ये जो सीन है मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि राजकुमार हिरानी ने संजू मूवी बनाने से पहले जो टेस्टिंग की थी रणवीर कपूर के ऊपर में, और संजू बाबा को लुक देने के लिए उसमें जो प्रोस्थेटिक का यूज किया गया था, बिल्कुल वैसा ही फेस और वैसा ही, एक पल के लिए ऐसा लगा कि वो रणवीर कपूर बैठे हुए हैं और रणवीर कपूर ही बैठ करके वो शायद संजू का ऑडिशन दे रहे हैं। वेरी सॉरी फॉर दैट, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। लुक्स के मामले में यार विक्रम इज अ वर्सेटाइल, व्हाट द हेल, विक्रम का नाम ही जो है ना यार काफी है। ए इधर आ मत, वन मोर ऑफ दैट, इधर मत जा, दे फटा कॉस 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 कॉस। That's a unique kind of design जिस कोबरा को लिखा गया, वो कोबरा स्नेक के जरिए लिखा गया, और वहाँ पे जैसे मैं देख पा रहा हूँ, इट्स गिविंग यू लॉट्स ऑफ थिंग, लॉट्स ऑफ हिंट फॉर द मूवी, और इस मूवी के अंदर में थ्रिल है,
ये चीज समझ में आ चुका है। और इस मूवी को देखने का असली मजा तब आएगा यार जब ये हिंदी में रिलीज होगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस मूवी इज द फुल ऑफ थ्रिलर। और जैसे कि मैंने लास्ट टाइम एक बार देखा था जिसमें ये एक ट्रांसजेंडर का रोल प्ले कर रहे थे और साथ ही साथ दो डबल रोल प्ले कर रहे थे ये, और उसमें जो चीज़ें दिखाई गई थी कुछ उसी तरह से थ्रिल इसमें भी दिखाए जाने वाले हैं। एंड द बेस्ट पार्ट कि भाई यहाँ पे जो कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं वो काफ़ी दमदार लग रहे हैं। देयर इज द फर्स्ट टाइम अपेयरेंस इन द स्क्रीन ऑन द बिग स्क्रीन एंड इट इज़ अ ट्रीट फॉर द एवरीवन। और खास करके जो क्रिकेट लवर है उनके लिए तो यार मानो सोने पे सुहागा हो गया है। ये मूवी देखनी बहुत ही ज़रूरी है। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो यार जा करके देखो यार, मस्ट में देखो। मैं तो यहाँ पे कॉपीराइट्स की वजह से बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से यूट्यूब में नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मैं शांति से नहीं देखने दिया हूँ आपको। बीच बीच में मेरे भी मतलब कुछ ओपिनियन थे, तो आपको कैसा लगा जरूर बताना। एंड बाय द वे प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको रिव्यू तो मिलेगा ही पर साथ ही साथ कुछ हट के कॉन्टेंट के बारे में भी बात करता रहता हूँ। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय, साइन ओरा एंड अस्ता ला विस्ता।